हेलो फैंस, मैं हूं अभी फन डू कंटेंट यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत ही रैपचिक मेरा ये इंटरव्यू है, तो आप ज़रूर ये इंटरव्यू देखना। और अगर आपने ये इंटरव्यू नहीं देखा तो फिर मैं आपकी ऐसी ठुकाई करूंगा ना कि पता ही नहीं चलेगा आपको कि बिना तेल की ठुकाई दीपक ने कैसे कर दी। तो इस कंटेंट को ज़रूर देखें और आपको बहुत मज़ा आएगा ये देखने में। लव यू मॉम। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फंडू कंटेंट पे। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुषाबा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरा इंटरव्यू लेती हो, और आपकी ये जो हंसी जो है वो मुझे बहुत लुभाती है। बहुत अच्छी प्यारी स्माइल है आपकी। आप जल्द ही, आपकी शादी की तारीख बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गई है, तो कहते हैं कि जितनी ज़्यादा तारीख शादी के नज़दीक आ जाती है उतना ही प्यार भी दूल्हा दुल्हन के बीच में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ गए हैं आप दोनों के बीच में प्यार? जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं तो हमारा प्यार जो है वो परवान चढ़ते जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि शादी जो है वो टूट रही है, ये है वो है। भाई, शादी तो भले पोस्टपोन हो जाएगी तो वो तो पता नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है कि 31 दिसंबर के नाइट को हमारी लाइव सुहागरात जो है वो ज़रूर होगी। तो शादी के पहले सुहागरात होना लाजमी है, क्योंकि शादी जो है वो 5-6 दिन इधर उधर हो सकती है। बट मेरे जो फैंस है वो बहुत ही एक्साइटेड है देखने के लिए, तो इसीलिए हम फैंस का दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं। तो डेफिनेटली लाइव सुहागरात तो हम ज़रूर चालू कर देंगे। बिल्कुल, आपको क्या लगता है आपकी लाइव सुहागरात के लिए राखी सावंत मानेंगी? क्योंकि आप जैसे कि कह रहे हैं कि शादी पोस्टपोन हो सकती है पर लाइव सुहागरात नहीं, तो इस पे क्या कहना है? मेरे पास ऐसे ऐसे जादुई टेक्निक है जिससे राखी सावंत ज़रूर मान जाएगी, क्योंकि मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने राखी के साथ चैटिंग किया है। वो मेरा पहला वीडियो था जहाँ पर मैंने मेरी ज़ुबान को दो उंगलियों में बीच में रख कर ऐसे ऐसे बलखाया था, और मेरी वो अदा देख के राखी सावंत इम्प्रेस हो गई। तो मैं डेफिनेटली उसके तन बदन पर गुदगुदियाँ करके उसके तन बदन में वो तपिश लाऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो 2 साल का कोर्स किया है न्यूयॉर्क में कामसूत्र का, वो डेफिनेटली काम आएगा। क्योंकि कोई भी लड़की को, भले वो कितनी भी ठंडी पंडी हो, लेकिन उसके तन बदन में तपिश जगाना दीपक कलाल को बखूबी आता है। क्योंकि मैं एक बनाना बॉय हूँ, गोवा के केले जो है वो मैंने फेमस किए हैं, तब से मैं बनाना बॉय से जाना जाता हूँ। और जब मैं कश्मीर जाता हूँ तो वहाँ के ग्लेशियर्स पिघलते हैं, और जब बम्बई आता हूँ तो यहाँ के समंदर उबलते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है डार्लिंग राखी को हॉनी करना। राखी जी के साथ आपकी शादी नज़दीक आ रही है। कहते हैं कि लोग, मतलब जितनी नज़दीक शादी आती तैयारियां भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां उतनी बढ़ जाती है, तो उस पर आपकी कितनी क्या क्या तैयारियां ख़त्म हो चुकी हैं, शादी के कपड़े वो सब बारे में बताइए। देखो, राखी जो है वो मुझे हमेशा नंगी पुंगी पसंद है, और राखी के पास खूबसूरत जिस्म है, तो मैंने हमेशा यही चाहा है कि हमारी शादी जो है वो न्यूड हो, और पूरी दुनिया जो है वो राखी का खूबसूरत तन बदन देखे। क्योंकि राखी एक पवित्र मूर्ति है, तो बिल्कुल खजुराहो के स्टाइल में जो है वो हमारी प्राचीन सभ्यता को ध्यान में रख के ये शादी होने वाली है। तो कपड़ों की तो बात आप छोड़ देना, लेकिन जो पैसे कपड़ों में बचेंगे तो उसमें हम गरीबों में वो बांट देंगे, ताकि ये गरीब लोग जो है जो वीवो और ओप्पो यूज़ करते हैं वो iPhone 10 यूज़ करें। आपकी जो शादी की आप बता रहे हैं कि आप लोग ड्रेसेस नहीं खरीदेंगे, तो इस पे राखी जी मान जाएंगे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो मतलब डिज़ाइनर कपड़े खरीदने वाली हैं, ये वो बात उन्होंने बताई थी। देखिए, राखी जो है वो मेरे विचारों से काफ़ी सहमत है, क्योंकि हमारा जो शादी का बजट था वो 85 करोड़ था, तो अगर हम कपड़े नहीं लेते हैं तो तकरीबन 15 करोड़ बच जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कपड़ों में पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि अगर वो पैसे हम गरीबों में देते हैं तो डेफिनेटली उनको वो काम आएंगे। और मैं कपड़े वपड़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ यार। अभी हम लोग एक फैशन शो पे रैंप वॉक करके आए, तो राखी ने कहा कि कहीं उसका मैन्युफैक्चरिंग ना हो जाए। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जब आप रैंप पे चलते हो तो आपके कपड़े गिर जाते हैं,
उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। हाँ, तो राखी ने वही कहा कि वो ये मैल फंक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा यार कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे पास माल है और तुम्हारे करियर में फंक्शनल हो तो ये सब चीज़ें होती रहती है। तो मैं बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हूँ, मेरी हर एक चीज़ बहुत ब्रॉड है, तो मैं ये सब चीज़ें माइंड नहीं करता हूँ। आपकी लव स्टोरी की शुरुआत आपने कहा था सोशल मीडिया से हुई थी और अभी हाँ आप कई बार मिल भी चुके हैं, तो कितना करीब आ गए हैं आप और राखी जी? यार अभी हम लोग इतना करीब आ गए हैं कि मैं अगर आपको बताऊं तो फिर आप शर्मा जाएगी क्योंकि आप बहुत ही शर्मीली हो। बट राखी और मैं हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। राखी को पंजाबी नहीं आती है, तो हम लोग रेस्टोरेंट में गए थे अभी सी प्रिंसेस में, तो राखी ने कहा कि तुम मेरे लिए क्या मंगवाओगे, तो मैंने कहा कि मेरी जान मैं तुम्हारे लिए टट्टे फ्राई मंगवाऊंगा। तो उसने कहा इसका मतलब क्या है, उसको पंजाबी नहीं आती है। तो मैंने उसको कहा कि टट्टे फ्राई मतलब एक पंजाब का डिश होता है, वो बहुत फेमस होता है। तो मैंने वेटर को बुलाया, मैंने कहा राखी को टट्टे फ्राई खिला, तो वो भी बहुत हंस पड़ा क्योंकि वो पंजाबी था। तो बहुत सारी हम लोग मस्ती करते हैं और बहुत मज़ा आता है मुझे राखी के साथ। तो एक बार मैंने उसको मजाक में कहा कि राखी क्या तुम मुझे पप्पी दोगी, तो उसने कहा कि इसको पंजाबी में कैसे कहोगे। तो मैंने उससे कहा कि राखी पंजाबी में इससे हम कहेंगे क्या तुम मुझे फुद्दी दोगी। तो एक बार जो है हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे थे और मैं सेल्फी ले रहा था, तो उसको कहना था कि दीपक तुम मेरी पप्पी लो, तो उसने कहा कि दीपक तुम मेरी फुद्दी लो। तो बहुत मैं उसको गलत गलत चीज़ें सिखाता हूँ और इससे बहुत कॉमेडी होती है और मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन इतनी खुल के चीज़ें मैं सिर्फ बॉलीवुड में राखी सावंत के साथ ही कर रहा हूँ क्योंकि हम दोनों बहुत बोल्ड है और अभी हमारी शादी भी होने जा रही, तो मुझे लगता है कि वाइफ के साथ ऐसी मस्ती करना कोई गलत नहीं है। तो आप भी ये सब ट्रिपल एक्स मस्ती करो लेकिन वाइफ के साथ। हाँ, लेकिन जो आपकी इंटरव्यू ले रही है उसको आप बाकायदा रिस्पेक्ट दो। क्या आपको आपने बोला आप बोल्ड मस्ती कर सकते हैं, तो इसी वजह से आपका ये कारण है जो आपका लुक, आपने एकदम बोल्ड लुक आज पहन के आए हैं उस बारे में? डेफिनेटली, मतलब मैं अभी यहाँ पे बम्बई में हूँ और अगर लड़कियों को जिस तरह से उनके बुब्स दिखाने का अधिकार है, बहुत सी लड़कियाँ मैंने देखी हैं बम्बई में वो सीधा कपड़े खोल के घूम रही हैं। अभी मैं जुहू बीच पे गया था, वहाँ पे टॉपलेस लड़कियाँ थी। तो अगर लड़कियाँ उनके बुब्स दिखाती हैं इंडस्ट्री में तो मैं क्यों पीछे रहूं यार, मुझे भी व्यूज चाहिए, लाइक चाहिए। मेरे पास टीट्स है जिसको मैंने पियर्सिंग करके रखी है, तो टैटू है, नहीं नहीं, मेरे टीट्स को मैंने पियर्सिंग की है जो मैं वीडियो में दिखा चुका हूं, और उसके बाद में मेरे तन बदन पे टैटू है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत है क्योंकि अगर लड़कियां उनकी क्लीवेज दिखा रही हैं तो मैं क्यों ना अपने आप को अनबटन और अनजिप करूं, बिकॉज मेरे पास भी अच्छा तन बदन है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग। उल्टा लड़कियां ये सब पसंद करती हैं, बहुत सारे लड़कियों ने तो उनके तन बदन पे मेरे नाम के टैटू गुदवाए हैं, तो उसमें गलत क्या है? कहीं आपने भी आपके बदन पे मेरे नाम का टैटू तो नहीं गुदवाया है? फिलहाल तो नहीं। तो आपके ना आपने एक इयररिंग भी पहनी है, बहुत ही अलग किस्म की है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं एक्चुअली बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हूँ और राखी के तन बदन पे मैंने पियर्सिंग की है क्योंकि मुझे पियर्सिंग करना, छिदवाना बहुत पसंद है। मुझे दो चीज़ें बहुत पसंद है, एक गुदवाना और दूसरा छिदवाना। तो मैंने मेरे पियर्सिंग की है मेरे टीट्स को और उसके बाद में मैंने अभी मेरे कान भी छिदवा लिए हैं, तो बहुत मुझे ये सब पसंद है। और राखी के तन बदन के बहुत सारे पुर्जों को मैं छिदवाने वाला हूँ, तो जितने भी पियर्सिंग शॉप्स है, टैटू शॉप्स है, वो बहुत जल्द करो जो मैं कमाने वाले हैं क्योंकि मैं जो अभी आने वाला हूँ राखी के साथ। आपने कहा आपकी शादी का बजट 85 करोड़ होने वाला है, तो इसका क्या मतलब ये है कि बॉलीवुड में जो अभी बड़ी बड़ी शादियाँ हुई थी उससे भी कहीं ज़्यादा धमाकेदार आपकी शादी होगी? डेफिनेटली, क्योंकि ये शादी जो है ये 85 करोड़ में इसीलिए हमने रखी है क्योंकि ये शादी LA में है जहाँ पे मैं रहता हूँ, मलिबू बीच पे, तो वहाँ पे ये शादी होने जा रही है। और आपको तो पता ही है कि USA का जो स्टैंडर्ड है, वहाँ की जो करेंसी है, तो वो तो बहुत महंगा होता है। तो ये 85 करोड़ जो है वो डॉलर्स में नहीं है, रुपीज़ में है।
तो आई थिंक इट्स अंडरस्टूड क्योंकि बहुत महंगा है मेरा इलाका, इट्स नॉट दैट चीप बेबी। अच्छा हमने सुना है आपने ना राखी सावंत के लिए कोई गाना भी डेडिकेट किया है, थोड़ा ही आप हमारे दर्शकों को भी बता दीजिएगा। राखी सावंत के लिए मैंने जो गाना डेडिकेट किया है वो है हनी सिंह वॉल्यूम 1 और गाने का जो नाम है वो है चूत। तो ये बहुत फेमस गाना है तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। डांडी कुचिया पंजाबी तेरी मारी, साजे लंज ने भी खींची तैयारी, फुद्दी आके तेरी लेके जाऊं, डाली तो मैं जट ना कहाऊं, चूत मारू चौदने के बाद तुझे, जूते मारू तेरे मुंह में अपना लौजा देके, मूट मारू बुद्धि खराब मेरी बुद्धि खराब, तेरे जैसे नहीं मेरी बुद्धि खराब, मुंह में लौजा लेके नाचो मेरा, यो यो हनी सिंह। तो ये मैंने राखी के लिए डेडिकेट किया है जिसका नाम है चूत वॉल्यूम 1। आपको क्या लगता है राखी को ये गाना पसंद आएगा, क्या वो बुरा नहीं मानेंगी? पहली बात तो राखी जो है वो बहुत दिल की साफ है, वो बिल्कुल पवित्र मंदिर जैसी है। और ये जो गाना है ये मैंने उसको मजाकी तौर पे सुनाया और राखी को ये गाना बहुत अच्छा लगा। तो अभी जब भी हम लोग हमारे कार में घूमते हैं तो हम हनी सिंह वॉल्यूम चूत 1 ही लगाते हैं जो कि राखी को बहुत पसंद है। आप बहुत ही ज़्यादा हर जगह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, आप और आपकी और राखी सावंत की ही हर जगह सनसनी छाई हुई है। तो आपको आपकी जब शादी होगी आपको क्या लगता है प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जो शादी के टाइम पे जो जितना वो ट्रेंड हुए थे, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की बात कर ले वो कितना ज़्यादा ट्रेंड हुए थे, तो क्या आप उनके रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि हम दोनों चटपटे हैं, हम दोनों जो है वो धमाके हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो अगर पटाखे हैं रणबीर दीपिका और प्रियंका और निक जोनस, वो अगर पटाखे हैं तो हम दोनों जो हैं वो बम है और हम जो है दे धड़ल्ले बजने वाले हैं। तो दीपिका रणबीर अगर आप बात करोगे सोशल मीडिया की तो प्लीज़ इसमें राखी और दीपक कलाल ही आगे रहेंगे। आपकी जो लाई सुहागरात का जो ये आइडिया है ये किसने लाया आप दोनों के बीच में से, और ये कैसे आया, कैसे इंस्पिरेशन मिली आपको ये अलग अनोखी चीज़ के लिए? एक्चुअली मैं हमेशा ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहता था। मैंने इंडिया में देखा हुआ है कि बहुत सारे लड़के जो है वो लड़कियों को उतना सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। देखो लड़की जो है वो कोई डॉल नहीं है कि आप उसको यूज़ करो और फेंक दो, आपको उसे सहलाना है, बलखाना है, फुसलाना है, आपको उसके बॉडी के ऊपर सॉस डालना है, उसके बाद में अंगूर का पानी डाल के उसको लीक करना है जिससे उसको ऑर्गेजम्स मिले। तो ये सब बहुत बहुत ज़रूरी है, हम इस बात को गलत समझते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अब वो दिन नज़दीक आ गए हैं क्योंकि ये जो लड़कियाँ हैं इन्हें भी ऑर्गेजम्स मिलने चाहिए। अगर हम उन्हें ऑर्गेजम नहीं देते हैं और हमारा मतलब निकलने के बाद हम उन्हें बिस्तर से दूर कर देते हैं तो ये गलत है। तो मैं जो है वो सेक्स के पाठ लोगों को पढ़ाना चाहूँगा क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि इंडिया में लोग जिस तरह से सेफ सेक्स करते हैं तो वो सेक्स कम और औरतों के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ऐसे ना करें, आप औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करें, उनके तन बदन में तपिश लाएं और जो खुशियाँ आपको सेक्स में मिल रही हैं वो आप उन औरतों को भी दें, सेक्स का मज़ा आप उन्हें भी दें। राखी को मैंने ये बात समझाई और राखी को भी ये बात पता है कि इंडिया के जो लोग हैं वो अपने बीवी के साथ बिल्कुल जानवर के जैसे सेक्स करते हैं, उनके सेक्स में जो फोरप्ले होता है या जो इंटेंसिटी होती है वो नहीं होता है। तो वो सब हम लाने की कोशिश करेंगे। तो राखी और मेरा जो वीडियो होगा वो सेंशुअल होगा, सेक्शुअल नहीं, और हम जो है वो इंडिया को करेक्ट करेंगे और इंडिया को हम सिखाएंगे कि आपको नई नवेली दुल्हन के साथ कैसे पेश आना है और कैसे आपको उसके साथ सेक्स करके उसके कामाग्नि को उत्तेजित करके उसको ऑर्गेजम्स देने हैं। तो फैंस ये बहुत बहुत ज़रूरी है, आप एक बार अगर मेरी और राखी की लाइव सुहागरात देखोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी बीवी आपको कभी भी तलाक नहीं देगी और मैं आपको सेक्स के वो सब पाठ पढ़ाऊँगा जिससे आप अनजान हो। हमने सुना है राखी जी ने कहा था एक बार कि वो आपको शादी के बाद भी एज अ भाई, फ्रेंड जोन होता है वो आपको भाई जोन करने वाली है, तो ये आपके जो रंगीन ख्यालात हैं वो कैसे पूरे होंगे?
देखो राखी ने जो ये बात कही है वो बिल्कुल मजाक में कही है, क्योंकि उसने ऐसे कहा है, इस वे में कहा है कि जब भी शादी होती है तो पति जो होता है वो औरत को बुली करता है, उसका बिहेवियर उसकी तरफ दोस्ताना नहीं होता है, लेकिन मेरा नेचर बिल्कुल भी वैसे नहीं है, मैंने राखी को हमेशा फ्रीडम दिया है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर राखी उसकी लाइफ एंजॉय कर रही है, बट मैं यही चाहता हूँ कि वो उसके जहन में उसके दिल में मेरे लिए एक अच्छी सी जगह बनाए रखे। भाई चारे की जो बात है वो उसने मजाक में कही है, क्योंकि अगर आप किसके पति हो तो आपका नेचर बुली नहीं होना चाहिए, उसमें भाईचारा भी होना चाहिए, एक हेल्प करने की जिद होनी चाहिए अपने वाइफ को, और वो वे में उसने कहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि राखी जो है वो मुझे राखी बांधने वाली है, ऐसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं इतना हॉट एंड सेक्सी हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लड़की जो है वो मुझसे राखी बनवाना चाहेगी। मतलब वैलेंटाइन डे के टाइम मुझे ढेर सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के दिन या भाई दूज के दिन तो मुझे एक भी मैसेज नहीं आता है, तो क्या प्रूव होता है इससे डार्लिंग? मैं इंस्टाग्राम का इमरान हाशमी हूँ, तो आपको तो पता होना चाहिए ये सब। अच्छा, राखी जी की बात कर रहे थे, उनकी दोस्त सारा खान के सॉन्ग लॉन्च पे अभी फ़िलहाल राखी सावंत जी गई थी और कुछ ऐसी बातें हो गई थी जो वापस से कंट्रोवर्सी में, आपकी जो आप जो कंट्रोवर्सी किंग हैं उसको बहुत ही ज़्यादा मैच करती कंट्रोवर्शियल क्वीन राखी जी वापस से आ गई थी और उनके ऊपर कुछ सवाल निकाला था शबनम शेख नाम की एक सोशल वर्कर ने, तो उस पर आपका क्या कहना है, थोड़ा बहुत बताइए। देखो मैंने उनका इंटरव्यू देखा तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं, देखो सारा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी करती हैं, तो मैं एक्चुअली कश्मीर में रहता हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि आप कोई भी चीज़ करती हो तो थोड़ा आपको ये भी देखना चाहिए कि वो मज़हब के अगेंस्ट ना जाती हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि सारा खान जो है वो मुस्लिम है, तो उसने जो भी किया है मुझे नहीं पता, बट उसने वो एक मैंने शॉट देखा उसमें कुछ बुरखा उन्होंने पहना हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर उनको बुरखा नहीं कहना चाहिए, पहनना चाहिए था वो सॉन्ग में। और फिर ठीक है, आपको जो भी फॉलो करना है लाइफ में आप करो, लेकिन फिर आपको मुस्लिम मत कहो, क्योंकि मुस्लिम जो मज़हब है उसकी परिभाषा बहुत अलग होती है। आप इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वो एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मज़हब है, तो या तो आप नॉटी चीज़ें करो लेकिन आप उसको इस्लाम में मत इन्वॉल्व करो, यू नो, क्योंकि मैं कश्मीर में रहता हूँ, वहाँ के रीति रिवाज बहुत अलग है, वहाँ के जो लोगों की सोच है वो बहुत अलग है, तो या तो फिर आप बुरखा मत पहनो या तो आप एकदम मॉडर्न रहो, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आप ये भी देखो कि वो मज़हब को आप मतलब सदमे में नहीं डाल रहे हो। नहीं नहीं मैंने वो गाना देखा हुआ है, क्योंकि सारा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। मैं वापस यही कहना चाहूँगा कि ये गलत है, क्योंकि एक फ्रेम में सारा बुरखा पहनी हुई है और दूसरी फ्रेम में वो न्यूड है, उनका एक पहले गाना आया था, तो सारा जी प्लीज़ प्लीज़ आप करो जो भी करना है, बट प्लीज़ आप बुरखा वगैरह ये सब चीज़ों को मत लाना, क्योंकि मैं कश्मीर में रहता हूँ तो ये सब चीज़ों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कहीं ना कहीं हम बोल्ड ज़रूर होते हैं, बट हमें हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति इसको नहीं भूलना चाहिए। अगर मैं राखी सावंत के साथ लाइव सुहागरात कर रहा हूँ तो हमारी जो संस्कृति है वो खजुराहो संस्कृति है। अगर आप देखोगे बड़े बड़े स्टैचूज खजुराहो के, तो वो सब कामाग्नि से भरपूर है, तो हम भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसे कुछ नहीं है, तो वो टॉपिक को आप ना छेड़े अगर आप अपने आप को एक सच्ची मुसलमान कहलाती हो, तो ये मेरा कहना है। लास्ट नहीं, अब अपने फैंस को थोड़ी बहुत अपनी शादी के बारे में और डिटेल्स दे दीजिए और आपको क्या कहना है, आप दिल खोल के आप अपने फैंस को बता दीजिए। देखिए हमारी ये जो शादी है ये बिल्कुल न्यूड होने वाली है, तो जो लोग बोल्ड हैं जो शादी में आना चाहते हैं बिना कपड़े वो आए, और उसके बाद में हमारी लाइव सुहागरात आप देख सकते हो, लेकिन
राखी को छूने का हक सिर्फ मुझे होगा। तो बारातियों, आप थोड़ा दूर रहो और चलो ज्यादा से ज्यादा मुठ मार सकते हो, लेकिन इसके अलावा राखी को छूना मना है, क्योंकि ये हमारे भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और मैं चाहता हूं कि आप सब संस्कृति का पालन करें। तो फैंस, मुझे बहुत अच्छा लगा और तुषाबा आपने मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया, और फैंस मैंने आपको मेरे दिल की बात रखी। मैं बहुत खुश हूं कि आज मैंने इतने सारे पल आपके साथ शेयर किए। मेरे जितने भी फैंस हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि बड़ों की इज्जत करना, लाइफ में ऐसे कुछ करना जिससे आपके पेरेंट्स प्राउड फील करें, और हाँ, अपने वाइफ को रबर डॉल के जैसे मत यूज करना, उसे 100% सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन देना, उसको मिसयूज ना करना, उसे सेक्स डॉल की तरह ट्रीट मत करना और उसे खूब इज्जत देना। और अगर आप 10 लड़कियों की तरह बुरी नजर से देखते हो, तो अगर आपकी वाइफ 20 लड़कों को बुरी नजर से देखे तो उसको मत डांटना, क्योंकि जैसे आपका अधिकार है वैसे आपका ही वाइफ का भी अधिकार है, लेकिन मेरी राखी पवित्र है तो हम दोनों सिर्फ खजुराहो का जो स्टैंडर्ड है उसको मद्देनजर रखते हुए, भारतीय मर्यादाओं का उल्लंघन ना करते हुए और संस्कृति का पालन करते हुए ही सिर्फ लाइव जाएंगे, और हमारी जो लाइव होगी वो सेक्सुअल नहीं, सेंसुअल होगी, मतलब वो ट्रिपल एक्स नहीं, वो सिर्फ डबल एक्स होगी, जिसमें राखी का 2 इंच का पुर्जा या तो नीम के पत्तों से ढका होगा या फिर केले के पत्तों से, तो इसको देखना ना भूले। लव यू फैंस, दीपक विद तुषाबा विद हिज मैनली एटीट्यूड मॉ, मुझे टाटा कर जो, मुझे टाटा कर जो मॉ।